नमस्कार। आज हम मल्टी सिम पर, जैसे कि हर वक्त बताता रहा हूँ, मल्टी सिम पर के सिम्युलेटर पर एंड गेट कैसे वेरीफाई करेंगे, कैसे उसकी ट्रुथ टेबल कैसे वेरीफाई करेंगे ये बताएंगे। ये हम लोगों को मल्टी सिम पर ये सर्किट बनाना है, एक एंड गेट, ये दो इसके इनपुट लेना है, फर्स्ट इनपुट ए और ये सेकेंड इनपुट बी, दो स्विच लगा रखें इनपुट को हाई लो करने के लिए। और यहाँ पर हमने एक एलईडी लगा रखा है कि हमारा कौन सा इनपुट कब हाई होगा और कौन सा इनपुट कब लो होगा, ये एलईडी से पता चलता रहेगा। ऐसे ही बी स्विच के साथ ये दूसरा एलईडी बी लगा रखा है, जब बी इनपुट या ए इनपुट हाई लो होगा तो ये दोनों एलईडी ग्लो करेंगे। आउटपुट में भी हमने एक एलईडी लगा रखा है, एलईडी वाई, जो आउटपुट में बताएगा कि हमारे इनपुट पर क्या कॉम्बिनेशन दिया जा रहा है इनपुट का, तो आउटपुट हो जाए। यहाँ बैटरी दे रखी है 5 वोल्ट की, 5 वोल्ट की बैटरी से हमें ये जो एलईडी है, ये वाला एलईडी, ये दोनों कनेक्ट है। स्विच ऑन करेंगे तो हाई हो जाएगा और ऑफ करेंगे तो लो हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये जो है आप जब बाज़ार से लेने जाते हैं हम लोग IC7408 की, तो इस तरह की मिलती है, जो डुअल इन पिन है, इसके दोनों तरफ सात सात पिन होती है। और इसका इंटरनल डायग्राम है इस 7408 IC का, इसमें 4 2 इनपुट गेट्स होते हैं और 7 नंबर पिन जैसे दिख रहा है ग्राउंड है, और VCC 14 नंबर पिन को हम 5 वोल्ट देते हैं। तो इसको बायसिंग पहले से की जाती है, हम लोग जो दे रहे हैं सिर्फ उसको गेट के इनपुट पर सिग्नल देंगे। यहाँ से हम लोग जाके, जैसे आप पता होगा, आप TTL पर जा करके 7408 IC कनेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, तो यहाँ देखिए बता रहा है कि इसमें ABCD कौन सा गेट चाहिए आपको IC का, तो हमने ए गेट सेलेक्ट किया है। देखिए U1A का मतलब U1 एक IC नंबर 1 पर ए गेट आ गया। दूसरा हम लोग रजिस्टर ले लेंगे, 3 रजिस्टर चाहिए होंगे इनपुट के लिए, 2 और 1 आउटपुट के लिए। 3 हमने रजिस्टर लिए। अब बारी आती है LED की, इंडिकेटर कैसे लेंगे, कैसे पता चलेगा, तो हमने LED ले लिया, एक ब्लू इनपुट के लिए, दूसरा हम ले लेंगे ग्रीन दूसरे इनपुट के लिए, और आउटपुट के लिए हम ऑरेंज LED ले लेते हैं। अब हम सिग्नल स्विच लेना है, हमें स्विच तो SPST लेना है, स्विच सिंगल पोल सिंगल थ्रो, दो हम स्विच लेंगे इनपुट को हाई और लो करने के लिए। अब हमको पावर लेनी है, DC पावर 5 वोल्ट की, एक DC पावर सप्लाई जिससे हम सिग्नल देंगे, और एक ग्राउंड की ज़रूरत पड़ती है, ग्राउंड ज़रूरी होता है सिमुलेशन के लिए, ठीक है। ये सब अब हमको अरेंज करके इसको लगाना है, ठीक तरीके से अरेंज कर लें जिससे हौज पहुँच ना हो, आपको ठीक से समझ में आ जाए और जो देखने वाला सर्किट है उसको भी ठीक से समझ में आ जाए। इसको सिंपल ले जा कर क्लिक करेंगे और इनपुट की पिन पर सिंपली क्लिक करने से कनेक्ट हो जाता है। सेम इसी तरह से दूसरे स्विच को भी इसी तरह से कनेक्ट करेंगे, ठीक से अरेंज कर लिया जाए, राइट क्लिक करके 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे तो ये वर्टिकली आपका रजिस्टर हो जाएगा। अब इसको दूसरे इनपुट पर, गेट के दूसरे इनपुट पर हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। अब इन दोनों को हम शॉर्ट करके पावर सप्लाई के, जिससे हम सिग्नल देंगे हाई और लो, उस पर कनेक्ट कर देंगे पॉजिटिव पर, और नेगेटिव को हम
ग्राउंड कर देंगे, सबका नेगेटिव, एलईडी का कैथोड ग्राउंड और एनोड रेजिस्टर के थ्रू एक आउटपुट में और दो अलग अलग इनपुट में एक कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से ये ग्राउंड कर दिया, इसका कॉमन ग्राउंड हो जाएगा और ये हमारा सर्किट कंप्लीट बन गया। इसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं, सिंपली वैल्यू पे जा करके डबल क्लिक करेंगे, वैल्यू पे जा करके 5 वोल्ट कर दिया। अब हम इसको V1 का भी लेवल चेंज कर दिया, इसको हम V इन कर देते हैं या जो भी आप चाहें हम इनपुट सिग्नल लिख देते हैं, इनपुट सिग्नल, इसे पता चलता रहेगा। इसी तरह से ये J1 को हम इनपुट A लिख देते हैं और इसका नाम दे देते हैं, मतलब इसको किस नंबर से हम चेंज कर सकते, की को पोजीशन किस चेंज से, अगर A को हम प्रेस करेंगे तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। ऐसे इसका इनपुट B और वैल्यू, अभी तक स्पेस था, स्पेस से चेंज करके हमने B दे दिया। अब B प्रेस करेंगे तो ये इसकी स्पेस, इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी A और B, इससे हमें पता भी चलता रहता है A कौन सा है सिग्नल, किस इनपुट में जा रहा है और B में कौन सा जा रहा है। इसका भी हम चेंज करते हैं LED का, LED A और LED 2 को हम कर देंगे LED B। ये आउटपुट का LED को भी हम नाम चेंज कर सकते हैं, इसको दे देते हैं हम LED Y। ठीक है, ये पूरा कॉम्बिनेशन हमारा बन गया, पूरा सर्किटरी तैयार हो गई ट्रुथ टेबल वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, अब हम इसको पोजीशन, अभी 0-0 की पोजीशन है इसकी, रन करा देते हैं तो कोई भी LED नहीं जलेगी। इनपुट A भी 0 है, इनपुट B भी 0 है, तो 0-0 पे क्या हुआ, LED भी आउटपुट भी 0 आया। ठीक है, अब A को हम किसी को 1 कर देते हैं, अब A इनपुट जो है वो 1 हो गया, B इनपुट 0 है और LED Y देखते हैं क्या होता है। देखो ये ग्लो हुई, LED A ग्लो हो रही है, LED B ग्लो नहीं है, तो मतलब LED इनपुट A 1 है, इनपुट B 0 है, तो आउटपुट भी 0 आएगा। जैसे कि पता है एंड गेट का Y इज इक्वल टू A.B होता है। अब हमने B को हाई किया है, देखो LED ग्लो हो गई, अभी भी आउटपुट में कोई सिग्नल नहीं आएगा, लो ही रहेगा। अब दोनों को मैंने हाई कर दिया है, अब दोनों हाई होने पर इसकी LED ग्लो हो जाएगी, मतलब A.B अगर दोनों 1-1 हैं तो आउटपुट में भी 1 आएगा। बाकी कोई भी इनपुट अगर 0 रहता है तो एंड गेट के आउटपुट 0 ही आएगा। ये इसका, अब मैं इसको 3D में आपको दिखाता हूँ, 3D में रिप्लेस करेंगे। बस हमने उस पर डबल क्लिक किया और रिप्लेस करने के बाद रिप्लेस हो गया, इसी पे भी डबल क्लिक, रिप्लेस 3D स्विच हो गया, ऐसे इस पर डबल क्लिक, रिप्लेस 3D क्लिक करके LED, ये LED आ गया रेड वाला, इस पर भी रिप्लेस करेंगे और 3D को सेलेक्ट करेंगे, 3D वर्चुअल, इस पर हमारा ग्रीन आ गया। अब फिर से इसका भी आउटपुट वाली LED को चेंज करके 3D LED में रिप्लेस करेंगे, ये आ गया 3D। ठीक है, अब हम इसको, अब देखो ये दोनों 0-0 पर हैं। हाँ, ये और चेंज कर देते हैं, इसका नाम A, इनपुट A, इसका इनपुट B
बी ओके। अब हम इसके की स्पेस से इसको चेंज करेंगे, वैल्यू स्पेस की जगह हम ए दे देंगे, ए वाले कीबोर्ड के बटन से इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी और इसको बी वाले बटन से चेंज कर देते हैं, इसका बी वैल्यू से चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये इनपुट ए इनपुट बी दोनों को अलग अलग कर दिया, इसका भी नाम चेंज कर दो, इसका लेवल चेंज कर दो एलईडी ए या ए सिंपल लिख दो या एलईडी ए जैसे हमने पिछली बार भी दिया था, तो एलईडी ए कर देते हैं, इसको थोड़ा एडजस्ट कर दो। इसको हम लोग लेबल चेंज कर दीजिए, इसको एलईडी वाई कर देते हैं, ये आउटपुट वाली एलईडी है। ओके, अब लग रहा है ऐसा जैसे ब्रेडबोर्ड पर हम लोगों ने बनाया, ब्रेडबोर्ड पर भी ऐसे ही बनाते हैं। अब ये दोनों 0 0 है, हम इसको क्लिक करने के बाद 1 हो जाता है और इधर क्लिक कर देते हैं तो 0 हो जाता है। अब ये दोनों देखिए, एक 0 एक 1, बी वाला 1 है और ए वाला 0 है, तो एलईडी नहीं जल रही आउटपुट वाली, दोनों को हमने 1 1 कर दिया तो ग्लो हो रही है। तो ये आपकी y = a.b वेरीफाई हो रहा है, ट्रुथ टेबल वेरीफाई हो रहा है। ओके,